महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी तालुका के आसपास के गांवों में गर्मी की वजह से कुएं और नदियां सूख रही हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी लोगों को परेशान कर रही है। महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या प्रशासन की तरफ से भेजे गए टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है। आम्ही आज इथं 20 वर्ष झाले मी आले, या गावात पाणी नाही आणि पाण्याची सगळ्याची आम्हाला टंचाई। 4-5 किलोमीटरवरून आम्ही पाणी आणतो आणि असंच सगळ्याचीच गुरावासरांना आम्हाला टंचाई, पाण्याला घरात आणायची टंचाई, शेताला पाणी नाही, आम्हाला सगळ्यालाच असा प्रॉब्लेम आहे। आम्हाला गाँव के लोगों के मुताबिक नदी का तल सूख गया है और गाँव के आसपास के ट्यूब वेलों में पानी नहीं है। इधर से जो पानी आता है, जो सब कुआ से आता है पीने के लिए, अब खेती का जो चलता है वो बारिश में चलता है, भात का उत्पादन। अभी ये जो बागायती चलती है वो पानी नहीं, इसके लिए बागायती चलने के लिए पानी नहीं। इधर कभी कभी अभी मार्च जून अप्रैल आया तो तब तक पानी कुआ में नहीं रहता, नदी में नहीं रहता। लोगों के मुताबिक उन्हें पीने का पानी खरीद कर लाना पड़ता है क्योंकि आसपास साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। आमच्या गावाला आम्हाला आठवत नाही तशापासून पाणीच नाही प्यायला। आता आम्ही 50 रुपये ती पळाना विकत घेतो, फक्त पिण्यासाठी विकत पाणी घेतो। हा, पूर्ण जनावरांना नाहीये आणि माणसांना नाही। आणि मग शेतीला पाणी असेल, शेतीला नाही पाणी। कुछ महिलाओं का तो यहाँ तक दावा है कि गांव के इस जल संकट की वजह से युवाओं की शादी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि दूसरे गांव के लोग अपनी बहन बेटी की शादी उनके गांव में नहीं करना चाहते। कोणी सुना बाळा तर केलेले ते नाशिकला, आता तर 5 वर्षापूर्वी मुली सुन मजे मिळतच नाही आम्हाला, पाण्यामुळे भेटून नाही राहिल्या। अशी गंमत आहे, आमचे 50 ते 60 मुलं तशीच राहिलेले, बिगर लग्नाचे राहिले म्हणले तरी चालेल, पाणी नाही त्याच्यामुळे मुली देती नाही। अशी गंमत आहे, पाण्याला पाण्याचा तर हेच नाही, सोयीच नाही। आता कधी येतं काय माहिती, आता आमचे डोळे मिटायला आले तरी पाणी नाही। अब गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद जरूर करेगा और पानी की आपूर्ति के लिए कोई ना कोई उचित कदम उठाएगा और उन्हें इस समस्या से निजात दिलाएगा।